अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की समांतर श्रेणी इसे हिंदी में कहा जाता है होती क्या है समांतर श्रेणी? कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। ऐसी श्रेणी या ऐसी सीरीज जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा सेम यानी कि बराबर होता है, वो नंबर हमारी समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक। इसमें जो सबसे पहले समझने वाली बात होती है वो होती है पहला पद। पहला पद इंग्लिश में कहा जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका इस सीरीज का? 8। और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से। फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है वो ए होता है, पहला पद। ठीक। उसके बाद दूसरी चीज डी होती है। डी का मतलब आता है पदों का अंतर। पदों का अंतर इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंस ऑफ टर्म्स। डिफरेंस ऑफ टर्म्स। और डिफरेंस निकालने में एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि बड़े पद में से छोटे पद को नहीं घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव भी आता है तो आने दीजिए। 16 में से 8 घटाएंगे, 8 में से 16 नहीं घटाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको सीरीज ऐसी भी मिलती है 8, 4, 0, -4। तो ये गलती ना करें कि 8 में से 4 को घटा दे ना। सीरीज में पहला पद दूसरा पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब डिफरेंस निकलेगा, नेगेटिव आएगा तो एक्सेप्ट है। ठीक। तो a2 - a1 निकालेंगे हमेशा। तो 16 में से 8 घटेगा, दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दिया, कितना आ गया 8। ठीक। सबसे पहली चीज समझ में आ गई ए, दूसरी चीज समझ में आ गई डी। फिर इसमें फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है nth टर्म का। nth टर्म जिसे हिंदी में कहा जाता है एनवा पद। एनवा पद। ठीक। ये क्या है? tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी बस। ठीक। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी पद श्रृंखला का सीरीज का फाइंड कर सकते हैं। tn का मतलब क्या हो गया? nवां पद जिसे हम डिनोट करते हैं। a का मतलब पहला पद। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा पद आप पता करना चाहते हैं। और d आपका क्या हो जाता है? डिफरेंस। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे जल्दी से ये बता दो कि 21वां पद क्या होगा, निकाल के बताना जरा। इस सीरीज का 21वां पद क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताना जरा। इस सीरीज का 21वां पद जल्दी से निकाल के बता देना। क्या आंसर आएगा 21वें पद का? बोलिए। आमिल का आंसर आ गया, दिव्या का आंसर आ गया, बढ़िया। देखो वैसे तो हम होशियार हैं। 8, 16, 24, 8 का 21वां पद। 8 का 21वां पद क्या होगा? 21 × 8। तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। करेक्ट आंसर 168 होगा। लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि हर सीरीज यही पैटर्न फॉलो कर रही हो, तो इसलिए हमें यहां से निकालना आना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी? 8। एन की वैल्यू कितनी? 21। 21 में से 1 घटाओगे, डिफरेंस कितना निकाल चुके हो? 8। 8 + 20 × 8, 8 + 160। करेक्ट आंसर 160। डन। करेक्ट आंसर 168 हो गया। समझ आ गया? तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको सीखना अनिवार्य था।
अगला आ जाओ, अगला आ जाओ। सम, सम के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सब कुछ पता ही है कि क्या क्या होता है। n नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के कितने पद हैं वो। a पहला पद, n नंबर ऑफ टर्म, d डिफरेंस। सब कुछ पता है। कभी कभी सीरीज में आपको जब अंतिम पद पता हो, अंतिम पद यानी कि जब आपको सीरीज का लास्ट टर्म पता हो, तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आपका पहला पद होता है, एल आपका लास्ट टर्म होता है, ठीक है, लास्ट टर्म एल होता है। क्लियर? तो फॉर्मूले अगर याद है तो मजे मजे, नहीं याद है तो याद करने पड़ेंगे। या तो ये वाला फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, दोनों से आपका आंसर आ जाता है। और इन दो फॉर्मूले के अलावा आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई तीसरा फॉर्मूला यूज नहीं होता है। एक एनवा पद निकालने वाला और एक सम वाला। इसके अलावा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी यूज नहीं होता है। चाहे एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। कुछ एसएससी के क्वेश्चन, कुछ यूपी एसआई के क्वेश्चन, सबके सब कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर बताइए। अभी कुछ बीच में शॉर्टकट भी यूज करेंगे। चलो बच्चे, तीसरा पद आठवां पद दे रखा है। चौदहवां पद ज्ञात करना है। अब जल्दी जल्दी बताओ, एक भी आमिल, मजे मजे जल्दी बताओ। अरे यार इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे। सुनो, अब इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके होंगे। पहला होगा बिल्कुल बेसिक तरीका जो मैं सिखाऊंगा, उसके बाद यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक। आपको तीसरा और आठवां पद दे रखा है, इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और कोई तो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज नहीं होना, ठीक। जब तीसरा पद दे रखा है तो कितना दे रखा है, माइनस का 13 बराबर। ए की वैल्यू पता नहीं, तीसरा पद है तो तीन में से एक घटाओगे, दो, डिफरेंस कितना, डी। पहले इक्वेशन मिल गई, पहले इक्वेशन मिल गई। दूसरी, आपको आठवां पद दे रखा है, कितना, दो बराबर ए प्लस एन माइनस वन, आठ में से एक घटाओगे, 7d। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो पहले इक्वेशन में से अगर दूसरे इक्वेशन को घटा दो, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा दो, तो ए से एक खत्म हो जाएगा। -13 में -2 करोगे तो -15 आ जाएगा। ए से एक खत्म हो जाएगा। 2d में से 7d माइनस करोगे तो -5d आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5d 15 आ जाएगा। डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। और जब डिफरेंस मेरे भाई 3 आ जाएगा, यहां पे 3 रख देना, तो 3 2 6, ए बराबर कितना आ जाएगा, यहां पे प्लस का 6 है, उठा के इधर भेजोगे तो ए बराबर कितना, माइनस का 19। बात समझ में, ए बराबर कितना, माइनस का 19। चाहे यहां रख देते चाहे यहां रख दे, यहां पे रखोगे 3 7 21, ए बराबर 21 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 21 माइनस का 19। पल्ले बड़ा। अब भैया आपको ए की वैल्यू बता, भैया आपको डी की वैल्यू बता। अब दोनों वैल्यू आपको पता है। जब दोनों वैल्यू आपको पता है तो आपसे 14वां पद पूछा जा रहा था।
एक ही वैल्यू आपने रखी माइनस 19 प्लस एन माइनस 1, 14 में से एक घटाया 13, डिफरेंस कितना है 3 का। तो यहां पे माइनस का 19 मिला, यहां पे 39 मिला, माइनस का 19 प्लस का 39 बराबर आंसर कितना मिला 20 हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक, आमिल का जवाब सही है, आमिल का आंसर सही आया। समझ आया? कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, केवल फॉर्मूले पे वैल्यू लगा के सॉल्व कर दी। तो अब बच्चों के दिमाग में आता है, सर क्या और थोड़ा सा जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखते ध्यान से समझना, आपको थर्ड टर्म दे रखा है कितना, माइनस का 13। ये माइंड में करने वाली चीज है। थर्ड के बाद फोर्थ आएगा यहां पे, समझा रहा हूं, फिफ्थ यहां पे, सिक्स्थ यहां पे, सेवेंथ यहां पे, एट यहां पे। अब ये मत सोचना है सर इतना सारा लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। आपको तीसरा टर्म दिख रहा है माइनस का 13 और आठवां टर्म दिख रहा है 2। इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? दो में से माइनस 13 को घटाओगे, दो माइनस माइनस 13 कितना आ जाएगा, 13 और 2 कितना आ जाएगा, 15। नंबर सीरीज में जो नंबर रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, जो संख्या रेखा, इसमें अगर तुम्हें माइनस 13 से 2 तक जाना होगा तो तुम राइट हैंड साइड कितनी कदम चलोगे, 15 कदम चलोगे। यस और नो? बिल्कुल चलोगे। और आपका ये जो 15 है, ये कितने पदों के बीच के अंतर का योग है? 1, 2, 3, 4, 5 पांच जगह का योग टोटल कितना है अंतर, 15। तो हर जगह पे कितना करोगे, 3, 3, 3। अगर 15 पांच पदों का अंतर है तो एक पदों का अंतर कितना रहेगा, 3। ये 3 क्या निकल आया, ये 3 क्या निकल आया, डिफरेंस निकला। ये 3 निकल आया आपका बिना फॉर्मूले के डिफरेंस। अब जब D निकल आया है तो चाहे तो A यहां से निकाल दो, चाहे तो A यहां से निकाल दो, और अगर नहीं निकालना है तो तुम्हें तीसरा पद पता है। जब तीसरा पद पता है, अंतर आ रहा है 6 का, तो 6 घटाने के बाद माइनस 13 आता है। 6, 3 पहला पद पता करना है। जब पहला पद पता करना है, अगर पता करने का तुम्हारा मन है, तो पहला पद अगर तुम्हें पता करना है तो माइनस 13 है तीसरा पद। कब? जब 1 से 3 पहुंच गए, यानी कि 3 पहले वाले में घटाया, 3 दूसरे वाले में घटाया, तो टोटल 6 घटाए हो। 6 घटाने पर माइनस का 13 आया है, यानी कि तुम्हारे A की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 19। इसका यूज करना है बिना फॉर्मूले के करना है तो। और अगर डायरेक्टली तुम्हें 14वां पद पता करना है, तुम्हें डायरेक्टली 14वां पद पता करना है, तुम्हें कौन सा पद पता चल चुका है, कौन सा पद तुम्हें पता चल चुका है, 8वां तुम्हें पता करना है, 14वां कितने पद और चाहिए, 6 पद चाहिए। एक पद का अंतर कितना होता है, 3, 6, 3, 18 अंतर, 18 2 में ऐड कर दोगे, डायरेक्टली आंसर कितना, 20। एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने, और बिना फॉर्मूले के करवा भी दिया। ठीक, आपने अंतर देखा, तीसरा पद, आठवां पद, पांच पदों का अंतर, पांच पदों का अंतर 2 माइनस माइनस 13 15, एक पद का अंतर 3, एक पद का अंतर 3, आपको आठवां पद पता है, 14वां पद पूछ रहा है, 8 से 6, 6 बढ़ाना है, एक पद में 3 बढ़ता है, 6, 3, 18, 2 में 18 ऐड कर दिया, 20 आंसर ओरली। कर सको तो कर लो, नहीं कर सको तो फिर ये जिंदाबाद, बाकी अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे और भी यूज करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये अलग है, ये पिछले वाला क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये अलग है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आगे आपको मिलेंगे, यूपीएससी में बहुत सारे पूछे गए, सब कराऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये अलग है।
समझ गया, कई बच्चे समझ गए, कई बच्चे नहीं भी समझ में होंगे तो अभी और समझेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। यूपीएससी में भरमार आई थी इसकी, इतने सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे कि तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा। मनोज, आमिल, प्रशांत, बढ़िया। चलो, एपी के 10 पदों का योग 390 दे रखा है, तीसरा पद 19 है, पहला पद ज्ञात कीजिए। इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? पहली बात तो पदों का योग, पदों का योग का फॉर्मूला कितना दे रखा है? 390। और पदों का योग का फॉर्मूला होता क्या है? अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे देखेंगे, मुझे याद है। एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। 390 बराबर कितने पद है? 10, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, 10 में से घटा दोगे 2, 9 और डी, ठीक। इसको सॉल्व भी कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 39 दुनी 78 आ जाएगा, 78 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक। दूसरी क्वेश्चन आपको कौन सी दे रखी है? तीसरा पद आपको 19 दे रखा है, तीसरा पद 19, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन यानी कि 2d बराबर कितना? 19। अगर आप इस इक्वेशन में, अगर आप इस इक्वेशन में कितना मल्टीप्लाई कर दो? 2, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे 19 दोनी 38, a में 2 मल्टीप्लाई करोगे 2a, 2d में 2 मल्टीप्लाई करोगे 4d। कैलकुलेट कर लो, माइनस 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 ये खत्म, तो कितना हो गया? 40, 78 में से 38 घटाओगे 40, 2a से 2a खत्म हो जाएगा, 9 में से 4 घटाओगे 5d, d बराबर कितना हो जाएगा? 5 8 40। जब d बराबर 8 हो गया, जब d बराबर 8 हो गया तो पहला पद पूछा जा रहा है, पहला पद पूछा जा रहा है, तो चाहे फॉर्मूले में रख दो चाहे जैसे कर दो। d बराबर दे रखा है 19 बराबर a प्लस 8 दोनों 16, a बराबर कितना आ जाएगा? 3 आंसर, ठीक। और वैसे भी आपको तीसरा पद तो पता है ना, 19 है, तीसरा पद 19 पता है, डिफरेंस आपने निकाल लिया 8, तो जब 19 है तो दूसरा पद क्या होगा? 19 में से 8 घटा दोगे तो 11, एक बार और 8 घटा दोगे तो पहला पद मिल जाएगा 3, ठीक। कैसे भी कर लो, आंसर देने से मतलब है। मनोज कुमार, वेल डन, सही आंसर आपका। नेक्स्ट, और खतरनाक क्वेश्चन, और खतरनाक क्वेश्चन, ये सब एसएससी के कर रहे हो अभी, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के, अभी यूपीएसआई शुरू नहीं हुआ। चलिए, और खतरनाक सा क्वेश्चन, 3 नंबर एपी में जिनका योग 30 है और गुणनफल 910 है, 3 में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। देखो यार, सबसे पहली बात होती है कि 3 नंबर मानना, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा जब तक डिफरेंस नहीं पता है, आप ऑप्शन से भी नहीं जा सकते। आप सोचेंगे हम ऑप्शन से कर लेंगे, तो ऑप्शन से कैसे जाओगे? ना आपको पहला टर्म पता है, ना तो आपको डिफरेंस पता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। अब करने के तरीके क्या होते हैं? देखो, ये आपको पता है कि अगर पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा? a प्लस डी, और तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d। अब इनको 3 पद मान लो, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी और a प्लस 2d, क्योंकि डिफरेंस ही तो हर एक टर्म में एड होता जाता है, ठीक। एक तो कंडीशन ये होती है कि आप ये मान लो, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि आप ये मान लो, ये मानो तो भी सही हो, ये मानो
तो भी सही हो। कैसे सही है सर, दोनों में फर्क क्या है मैं समझाता हूं। आपको बताया कि समांतर श्रेणी वही सीरीज होती है जिसमें दोनों पदों के बीच का अंतर जो है वो सेम होता है। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालोगे अंतर कितना आएगा डी। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो ए से ए खत्म होगा, टू डी में से डी घटाओगे अंतर कितना आएगा डी। ठीक, ये कंडीशन चेक सही है। इससे इसको घटाओगे तो ए में से माइनस ए प्लस का डी हो जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा डी। यहां पर माइनस करोगे ए प्लस डी में से ए घटा दोगे डिफरेंस कितना आएगा डी। तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों में से कोई भी मान सकते हो, दोनों में से कोई भी मान सकते हो। तो मानना आसान कौन सा रहेगा, नीचे वाला। क्यों नीचे वाला आसान रहेगा, इसके पीछे अब समझना। तीनों पद का योग कितना है 30। जब तीनों पद का योग 30 है तो जरा आप इनका योग 30 करके देखना, तो बराबर 30। जैसे आपने इनका योग 30 किया, d से d खत्म हो गया, 3a बराबर 30 हो गया, a बराबर कितना आ गया 10। लो पहला पद पता समझे। और अगर यहां से करते तो 3a प्लस 3d बराबर 30 होता, a प्लस d बराबर 10 होता। ठीक, कैलकुलेट वहां से करना पड़ता, a प्लस d बराबर कुछ और होता, सॉरी 3a करते 3d करते, 3a प्लस 3d बराबर 30 करते, 3 कॉमन होता, a प्लस d बराबर कुछ आता। ठीक, और यहां से आपने डायरेक्टली कर लिया, d से d खत्म हो गया तो 3a बराबर कितना, इधर से लेंथी इधर से इजी, इसलिए ये वाला टर्म आपने माने। ठीक, अब तीनों का गुणनफल कितना है भैया 910, तो तीनों का गुणनफल करना है जरा, a माइनस डी। अब a की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू रख के करते, 10 माइनस डी यहां पे कितना a, तो 10 फिर 10 प्लस डी और इनका गुणनफल दिया कितना है 910। कैलकुलेट करके अब डी की वैल्यू निकाल सकते हो, जीरो से ये जीरो खत्म, 10 माइनस डी 10 प्लस डी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 91, डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर कितना प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। चाहे प्लस का 3 ले लेना चाहे माइनस का 3 ले लेना, दोनों कंडीशन में आंसर बिल्कुल सही आएगा। चाहे प्लस का 3 लेना चाहे माइनस का 3 लेना, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है, जब तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओगे तो a प्लस डी है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू अगर प्लस का 3 लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13। और अगर आप d की वैल्यू माइनस 3 लेते हो तो नंबर बस उल्टे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 13 हो जाएगा, ये वाला 10 रहेगा, ये 7 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा जाएगा तो भी आंसर क्या दोगे, बड़ा नंबर कौन सा 13। तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट आंसर कौन सा आएगा 13। हो गया, समझ में आ गया, मजा आया, कर रहे हो आज बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन एपी के। चलो फिर आगे बढ़ो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो उड़ा के फेंक दो। ये यूपीएसआई 2021, आंसर देना जल्दी से। जो भी बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखे उससे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमको मैसेज कर सकता है, हम उसकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। 300 से 600 के 50 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो 5 और 7 दोनों से वही संख्याएं विभाजित होंगी भैया जो 35 से विभाजित होती हो। 35 से इसको भाग दोगे तो 35 से विभाजित होने वाला सबसे पहला नंबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 300 को भाग देना पता चल जाएगा, 300 को 35 से भाग देना पता चल जाएगा। तो 35 दोनी 70, 7 चौके 28, 8 बार 8 5 40 के 0, कैरी 4 8 3 24 4 28, कितना शेषफल बच रहा है 20, कमी कितने की पड़ रही है 15 की, 15 की कमी पड़ रही है, इसका मतलब पहला नंबर कौन सा मिलेगा 315, पहला नंबर कौन सा मिलेगा 315, 315 के बाद कौन सा मिलेगा 350, 350 के बाद कौन सा मिलेगा 385, करके देखते रहोगे क्या। लास्ट नंबर देख लो, 650 को भी 35 से भाग दे देना तो 35 से कम 35 आ जाएगा, 30 बचेगा 0 आ जाएगा, 35 अट्ठे 280 आ जाएगा, 20 बचेगा, इस बार 20 माइनस कर देना तो विभाजित होने वाला नंबर कौन सा है 630 है, 630 है। तो ये आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, जौन सा टर्म आए
अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए कि ये कौन सा पद है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको सीरीज के पता चल जाएंगे। 630 आपने एनवा पद मान लिया, ए की वैल्यू 315 है, प्लस एन की वैल्यू आपको पता करना है, डिफरेंस कितना है 35। 630 में से 315 को घटाओगे तो 315 ही बचेगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 35 बचेगा, 35 से डिवाइड करोगे 9 बार जाएगा, एन माइनस वन बराबर 9, तो एन बराबर 9 प्लस 1 करेक्ट आंसर कितना 10 ऑप्शन से। ठीक, चाहो तो एपी का यूज करो, चाहो तो एपी का यूज इस क्वेश्चन में ना करो। कैसे ना करें सर, फिर क्या करें? ये पद आपको कौन सा है? 9th। 35 का ये कौन सा मल्टीपल है? 315, क्योंकि आठवां मल्टीपल कितना होता था? 280, तो नौवां मल्टीपल कौन सा हो गया? 315। 630 कौन सा मल्टीपल है? 18वां। 630 जो है वो आपने भाग दे के पता कर लिया कौन सा मल्टीपल है? 18वां। 9 से लेके 18वां, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने आ गए? 10। ऐसे कर लो, या 8 टर्म हटा दो, 18वां मल्टीपल है 300, 630 35 का, शुरुआत के 8 मल्टीपल नहीं चाहिए, तो 18 में से 8 घटा दोगे तो भी आंसर कितना? 10। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करना है तो ऐसे जैसे करना हो वैसे कर लो, हम तो डीप में सिखा ही रहे, हम तो बिल्कुल डीप में सिखा ही रहे। नेक्स्ट, यूपीएसआई 2021 करिए, जल्दी से करिए। अब देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हो, फॉर्मूले के साथ भी बताएं, विदाउट फॉर्मूला भी बताएं, जल्दी से आंसर दो। जल्दी से जितने भी बच्चे लाइव हैं इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए। आमिल ने सबसे पहले आंसर दिया है ए, सही है या गलत ये तो भी पता चलेगा। समझे सभी लोग? पहले 19 पदों का योग ज्ञात करना है, 15वां और 11वां पद दे रखा है। ठीक, अगर बेसिक से करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप 15वां पद निकालोगे तो 15वां पद दे रखा है 24.25, अच्छी बात है। ए प्लस एन माइनस वन 14 हो जाएगा डी, ये आपकी एक इक्वेशन होगी। दूसरी 20.25 बराबर ए प्लस 11वां था तो 11 में से एक घटा दोगे 10d आ जाएगा, इनको माइनस कर दोगे, माइनस 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 खत्म होगा तो यहां पे केवल 4 आएगा, ए से खत्म हो जाएगा 4d, तो यहां से d बराबर कितना आ जाएगा? 1। और जब d बराबर 1 आ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 घटा दो बस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.25। बेसिक से a और d की वैल्यू निकाल ली आपने, बेसिक से a और d की वैल्यू निकाल ली। यही अगर आप ओरली निकालना चाहते, 15 पद 11 पद अंतर कितने का? 4 पदों का। 24.25 20.25 अंतर कितने का? 4 का। जब 4 पदों का अंतर 4 है तो 1 पद का अंतर कितना होता है? 1। जब 1 पद का अंतर 1 है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, डिफरेंस आप ओरली निकाल सकते थे 1। कैसे? 24.25 और 20.25 के बीच का अंतर होता है 4, 15 और 11 के बीच में अंतर भी कितने आते हैं? 4। 4 पदों का 4 तो 1 का 1 कितना हो जाएगा? डिफरेंस बराबर 1। अब डिफरेंस बराबर 1 आ गया तो आप चाहें तो a की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 11वां पद दे रखा है 20,
तो 11 बार 1 ऐड हुआ होगा ना, तो इसमें से 10 घटा दो 10 बार, क्योंकि 10 से लेके 1 से लेके 11 तक अंतर कितना आता है 10 का, 1 से लेके 11 तक 11 में से 1 घटाओगे 10 आएगा, 10 घटाओगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.25। तो बिना फॉर्मूले के भी आप ये वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक, आपको 19 पदों का योगफल पता करना है, तो या तो आप 19वां पद निकाल लो, 19वां पद निकाल लो, इसमें 19 ऐड कर दोगे 29.25 आ जाएगा। अगर इसमें 11वां पद ऐड कर रहे हो देखो तो कितना आ रहा है तुम्हारा 20.25। ठीक, और 15वां पद कौन सा आ रहा है 24.25, तो 19वां पद कितना आएगा 28.25। ठीक, जो भी आए तो चाहे तो वहां से निकाल लो या फिर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा n/2 2a + n-1 × d, चाहो तो लास्ट टर्म निकाल के भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। n की वैल्यू कितनी है 19 19/2, 2a a की वैल्यू कितनी है 10.25, n-1 कितना हो गया 18, d कितना है केवल 1, इसी को कैलकुलेट करना है भाई। 2 से ये खत्म, 2 × 18, ठीक, 19 × 19.25 19.25 19 से मल्टीप्लाई करोगे 19 × 95 = 5 कैरी 9, 19 × 2 = 38 और 9 × 47 = 7 कैरी 4, 19 × 171 = 4 × 75 = 5 कैरी 17, 19 से कम 19 और 17, 19 × 7 = 36 36, तो आंसर कितना आएगा 365.75 ऑप्शन नंबर सी। और यूपीएसआई वाले एग्जामिनर बड़े खराब थे, उन्होंने लास्ट डिजिट का ऑप्शन ही खत्म कर रखा था 5555। ठीक, समझ आया था आंसर? ठीक है, क्लियर है। आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी निकाल सकते थे, क्योंकि आप 19वां पद बहुत आराम से निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15वां पद आपको पता ही है, 4 और ऐड कर दोगे 28.25 आ जाएगा। आप सीधे सीधे वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 तो 19/2, फर्स्ट टर्म कितना 10.25, लास्ट टर्म यानी कि 19वां कितना, जब 15वां 24 है तो 19वां कितना होगा 4 और ऐड कर दो तो 18.25, 18.25 यहां से भी आप कर सकते हो। 19/2 ऐसे ही रहने दो, यहां पे कितना हो जाएगा 0.5, यहां पे कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे 19 × 95 = 5 कैरी 9, 19 × 8 = 153, कैलकुलेशन हो ही जाएगी, कर लेना आराम से अगर यहां से करना हो तो। ठीक, हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, एक और, इस बार कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी, इसको कर लो। आप लोग मैथ्स की टाइमिंग अपनी 2 मान के चलो, या तो 12 बजे या तो 1 बजे, इन्हीं दोनों टाइम पे क्लास होगी और किसी टाइम पे नहीं, 12 बजे या तो 1 बजे। जिस दिन YouTube पे रीजनिंग की क्लास नहीं होगी उस दिन आपकी क्लास में 12 बजे चलाऊंगा। कुछ लोगों को लगता होगा सर टाइम चेंज कर रहे हैं, बेटा थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है तब करना पड़ता है। अभी हमारी पूरी फैमिली गांव में है, हम केवल यहाँ पे क्लास लेने गांव से आए हैं कि आपकी ये क्लास चले। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी भी क्लास गांव से होगी तो वो पेन टैब से लैपटॉप से कभी कभी हो सकती है। ठीक, तो मुझे अभी जाना है, तो मैं क्लास लेने ही आया था बस, आपके और कुछ नहीं। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर मुझे आना पड़ता है। एक एपी के 19वें 33वें पद क्रमशः 344 और 414 है, 26 पदों तक का योग ज्ञात करना है, 26 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब मैं बेसिक से नहीं करवा रहा, बेसिक से आप कर सकते हो, a + n-1 × d करोगे, a + n-1 × d करोगे, a की वैल्यू निकल आएगी, d की वैल्यू निकल आएगी, इक्वेशन से। हम कैसे करेंगे, आपको 19वां पद पता है कितना है 344, आपको
33वां पद पता है, कितना है 414। पदों के बीच का अंतर कितना 14, नंबर के बीच का अंतर कितना 0, 11 में से 4 घटाया 7। 14 पदों के बीच का अंतर अगर 70 है तो एक पद के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक पद के अंतर कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब पहले पद से लेकर 19 पद तक कितने पदों का अंतर पड़ रहा है 18। 18 × 5 = 90, 344 में से 90 घटा देना, 254 आ रहा होगा आपका पहला पद, 254 आ रहा होगा आपका पहला पद। निकाल के देखेंगे, वैसे हम कंफर्म करेंगे हम भी, 254 आ रहा होगा जो मैं ओरली बता रहा हूं वैसे। बाकी चलो तुम्हें निकाल के दिखाते हैं, 344 बराबर ए प्लस 18 डी, 414 बराबर ए प्लस 32 डी। इससे इसको घटाओगे, 4 में से 4 जीरो घटाओगे, 11 में से 4 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, फिर इससे इसको घटा दिया, इससे इसको घटा दिया, कितना हो गया 14, डिफरेंस कितना आ गया 5, आया डिफरेंस 5, अब तो कोई डाउट नहीं किसी, 5 रख दिया, 18 × 5 = 90, 344 में से 90 घटा दिया, 4 × 5 = 2, 100% सही। ठीक है, ठीक है ना। फिर आपको ए भी पता, आपको डी भी पता, पहला फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 26 पद का सम चाहिए, 26/2, 2a, 2a, 2×2=254, 2a प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 26, 25 × 5, 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई 13 आया है, 254 का डबल कितना हो जाएगा 508 प्लस 125, 13 मल्टीप्लाइड बाई 633, 13 × 39 के 9 कैरी 3, 13 × 39 3, 42 का 2 कैरी 4, 13 × 78 4, 82, करेक्ट आंसर 8229, 8229 ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये हो गया, एक तो भैया जी ये हो गया, दूसरा क्या आप मुझे 26वें पद का मान बता सकते हो, क्या आप मुझे 26वें पद का मान बता सकते हो पूरली? आपको 19वां पद पता है 344, 19 से 26 कितने पद आते हैं 7, 7, एक पद का अंतर कितना है 5, 5 पदों का, 7 पदों का कितना हो जाएगा 7×35, 5×4 = 9, 3×4 = 7, 3×4 = 7, 379 हो गया, 379। क्लियर, आपको 26वां पद पता है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहां 13, 9×4 = 13 कैरी 1, 7×4 = 11, 9×4 = 3 कैरी 1, 7×4 = 11, 12×2 कैरी 1, 3×3 = 4, 6×7 723। अलग अलग कैसे आ सकता है यार, कहां पे मिस्टेक हो रही है, n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, ओके ओके ओके, यहां पे हमने 19वां पद रखा है, फर्स्ट टर्म रखेंगे ना, फर्स्ट टर्म आपने कितना निकाला था 254, ठीक है, 9×4 = 13 कैरी 1, 7×5 = 12 × 13 कैरी 1, 2×1 = 3, 2×5 = 6, सेम आंसर, सेम आंसर। आगे बात समझ में, कैसे करना था, क्लियर क्लियर समझ आ गया ना कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, और नहीं किया है तो सॉल्व कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मैंने करवाए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिमांशु ने सबसे पहले आंसर दिया 80, नहीं करवाया था ना, लेकिन मैंने इस टाइप का करवाया था, ये वाला नहीं करवाया था शायद, है ना। अनुप्रिया का भी सेम आंसर आ रहा है, इसको समझा दिया था फॉर्मूले के साथ भी, बिना फॉर्मूले के साथ भी, दोनों ही तरीके से आपको ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, फिर से समझा देता हूं।
कि जो आपका 27वां पद है वो 444 है और जो आपका 44वां पद है वो 512 है। ठीक, इनके बीच का अगर आप अंतर निकालोगे तो कितने पद आएंगे, 17, और इनके बीच का आप अंतर निकालोगे तो 12 में से 4 घटाने पर 8, 12 में से 4 घटाने पर 8, फिर 10 में से 4 घटाने पर 6, 68, 17 का 64 है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17 × 4 = 68, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 4। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। ठीक, आपको 27वां पद पता है, आपको डिफरेंस पता है, क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो टी एन फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन बराबर कितना दे रखा है, 444 बराबर ए प्लस, ये कौन सा पद है, 27वां, अच्छा 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 यहाँ पे 27वां, ठीक है सब सही है, 27वां, 27 में से एक घटाओगे 26 और डिफरेंस है कितने का, 4 का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 444 माइनस 26 दोनी 52, 52 दोनी 104, 104 घटा दोगे तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए बराबर 340। ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 340। आपको ए की वैल्यू पता है, आपको डी की वैल्यू पता है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 30वां पद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ए की वैल्यू पता है, आपको ए की वैल्यू पता है, आप 30वां पद भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, 30 भी आपका निकल आएगा, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर जो आपने सम का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा याद करा दो, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एन एन कितना है 30, 30 बटे 2 कर दोगे, 2a, a की वैल्यू 340 कर दोगे, प्लस 30 में से घटाओगे 29 आ जाएगा, डिफरेंस कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस 4 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 2, 2, 2, 2, 4। ठीक, ये आपका 30 रहेगा और 29, 2, 58, 398 हो जाएगा, 0, 3, 8, 24 के 4 कैरी दो, 3, 9, 27, 2, 29 का 9 कैरी दो, 3 × 9, 2, 11 करेक्ट आंसर कितना, 11,940। ऑप्शन नंबर सी एकदम सभी का सही जवाब, बढ़िया यार। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, बढ़िया आमिल, वालेकुम अस्सलाम। देखो तो अब इसको उड़ा लोगे तुम लोग, जल्दी से कर लो, इसको उड़ा के फेंक दो, जल्दी जल्दी एक और कर लो, फिर अगले टाइप पे बढ़ जाएंगे, आसान है, पहले वाले से भी ज्यादा आसान है ये तो। अनुप्रिया, सतीश, हिमांशु, जल्दी से आंसर देकर बता दो। एक एपी के 17वें और पहले पद क्रमशः 315 और 251 है, आपको यार ए की वैल्यू तो पहले से ही पता चल गई, इस पर 251, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, बीच में अंतर कितना आएगा, पहला पद आपको पता है, 17वां पद आपको पता है, 315 में से 251 घटा लोगे, 49, 64, 64, 16, 4, डी बराबर यहां पर भी 4 ही आ रहा होगा, आप चाहें तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपको 17वां पद दे रखा है 315, टी एन बराबर ए, ए की वैल्यू 251 प्लस एन माइनस वन, 17 में से एक घटाओगे 16 इंटू डी, ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 में से 1 घटाओगे तो 4, 31 में से 25 घटाओगे तो 6 बराबर 16 डी, तो डी बराबर कितना आ जाएगा यहां से,
चार, आपको डी की वैल्यू पता चल चुकी है। 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, 24 बटे दो, एन बाई टू होता है, 24 बटे दो, टू ए, टू ए, दो गुणे दो से 51 प्लस एन माइनस वन, 24 में से घटाओगे 23, डिफरेंस कितना है 4, ठीक, डिफरेंस कितना है 4, कैलकुलेट कर दो, 2, 2, 2 दोनी 4, 24 यहां रहेगा, 23 दोनी 46, 251 में 46 ऐड कर दोगे, 24 गुणे 2, 9, 7, कैलकुलेट कर दो, 24 सत्ते 168 का 8 कैरी 16, 24 निया 216, 232 का 2 कैरी 23, 24 दोनी 48, 3 51, 51 में 20 ऐड करोगे 71, करेक्ट आंसर 7128, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है सतीश, 7128 आ रहा है मेरे ख्याल से तो यार, सुनीता का आंसर ए है, आमिल का आंसर ए है, बढ़िया, ठीक, एक बार कैलकुलेशन तब भी चेक कर लेना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हमें से ना हो गई हो, 6, 7, 5, 9, 297 में 24, 24 सत्ते 168 का 8 कैरी 16, 24 नहीं है 216, 232 का 2 कैरी 23, 24 दो 48 और 3, 23, 71, सही है मेरे ख्याल से, ठीक, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, जरा अब ये भी हो जाएगा, देखो सेम है, उस समांतर श्रेणी के पहले 155 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः इतने और इतने, भाई आपको पहला पद पता 165 हो गया, आपको तीसरा पद 175 पता है, तो 65 दूसरा पद कितना होगा 170, तभी तो डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, आपको ए की वैल्यू पता, आपको इसकी वैल्यू पता है, 155 पदों का योगफल ज्ञात करना है, आप आराम से कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो, 155 बटे 2, 2a, 2 गुणे 165 प्लस 154 क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है 5, इसी को तो कैलकुलेट करना है, जब इसी को कैलकुलेट करना है तो 2 2 2 इधर खत्म हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो यहां पे 155 आ गया, यहां पे 165, 165 प्लस 7 बना 35 के 5, 7 35 के 5 कैरी 3, 5 सत्ते 35 3 38, ठीक है, यहाँ आपका 155 है ही, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 8 14 1 15 के 5 कैरी 1, 3 1 4 1 5, 550, 550, इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर देना है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 550 को पहले 150 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जब 550 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो बार जीरो आ जाएगा, 15 बना 75 के 5 कैरी 7, 15 बना 75 और 7 82 आ जाएगा, ठीक है, अब 550 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो लास्ट में 0 आएगा, पनम 25 के 5 कैरी 2, पनम 25 2 27 आएगा, तो 0 5 2 5 8 85 250, 85 250 ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फलेश का कहना है इसमें भी ए होगा, फलेश यार ए तो नहीं आया, बी आया मेरा, मेरा तो आंसर बी आया, हाँ जी क्लियर है, तो एरिथमेटिक का अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अब मैं इसको नहीं करा रहा, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन अलग शिफ्ट में पूछा गया था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन अलग शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आए आपके तगड़े वाले यूपीएसआई 2021 में, जो आपके टफ क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए, ठीक है बताइए, उन सभी तीन अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 छोड़ती है, यूपीएसआई 2021 में जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वाकई में परेशान करने वाला क्वेश्चन था उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये वाला था, आमिल ने सबसे पहले आंसर दिया है, सी सही है या गलत ये तो नहीं पता, देखते हैं, सतीश का भी आंसर सेम, सुनीता का भी आंसर सेम, सब गलत ना होगा ना लाइन से, देखो यार हमें उन सभी
तीन अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिन्हें जब हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 शेषफल बचता है। मेरे अकॉर्डिंग पहली संख्या 100 है। क्यों? 6 से भाग दोगे, 6 कम 6 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 6 6 36, शेषफल कितना 4 बच गया। ठीक, दूसरा कौन सा हो जाएगा? 6 से विभाजित कर रहे हो ना, अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? 106। करके देख लीजिए, 6 कम 6 4 बचेगा, 46 हो जाएगा, 6 7 42 4, अगला कौन सा हो जाएगा? 112। चलता चला जाएगा, लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? लास्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या कौन सी होती है? 999। 999 को आप 6 से विभाजन करके देखोगे तो 6 3 9, 6 36 3 9, 6 36 3, शेषफल 3 बचेगा। शेषफल 3 घटाओगे, शेषफल 3 घटाओगे तो 996 मिलेगी विभाजित होने वाली संख्या। 996 मिलेगी विभाजित होने वाली संख्या। आपको विभाजित होने वाली संख्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए शेषफल 4। तो जब आप शेषफल 4 ऐड करोगे तो 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 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 संख्या जो है वो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो जब 1000 नहीं ले सकते तो 1000 से 6 कम ले लोगे। 1000 से 6 कम ले लोगे तो कितना मिल जाएगा? 994। और 994 को करके देख लो, 6 से 6 कम 6 3 बचेगा 39, 6 6 36 3 बचेगा 34, 6 5 36 शेषफल कितना 4। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिल गया? 994। सीरीज समझ में आई या किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? हां जी, सीरीज समझ में आई? आपको तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग चाहिए। 100 कहां से आया? अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो बच्चे, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 100 को 6 से भाग दोगे, 100 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर 6 कम 6 4 0 हो जाता है, 6 6 36, 36 के 4 ये मिल रहा है, 4 शेषफल हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई। ये आपकी एरिथमेटिक सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी बन गई जिनके बीच का अंतर 6 आ रहा है। बोलिए आशियाना जी। जी सर, बढ़िया। अब मेरे भैया को सब कुछ पता है, बस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि ये कौन सा पद आया, ये कौन सा पद आया है, ये आपको नहीं पता। तो ये आप पता कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। tn बराबर a, a की वैल्यू कितनी है? 100। n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, डिफरेंस कितना है? 6। 994 में से 100 घटा दोगे तो 894 बचेगा, 894 को 6 से भाग दे देना और यहां पर रह जाएगा एन माइनस 1। तो 6 एकम 6 दो बचेगा, 6 चौके 24, 6 नामा 54 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 150। लो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, आपको ए पता है, आपको डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म भी पता है, कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाए। ठीक, अब तो आपको लास्ट टर्म भी पता है ना भाई साहब। जब लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए? एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आपने निकाल लिए हैं 150। 150 बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1094 हो जाएगा, 1094 हो जाएगा। ठीक, 900 में 100 ऐड करोगे 1094 हो जाएगा। आप चाहो तो 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 7 105 के 5 कैरी 10, 15 4 60 और 10 70 के 0 कैरी 7, 15 5 75 और 7 82। ठीक है, 15 7 105 के 5 कैरी 10, 15 4 60, 10 70 के 7 0 7, 15 5 75 7 82, 82050। परेश बढ़िया, सुनीता बढ़िया, अब आ गया आंसर। आशियाना बढ़िया, आ गया समझ में, आ गया समझ में? अरे बोल भी दो यारो, मजा आया। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि आपको ये सीरीज बनानी है, जब आप सीरीज बना लेंगे तो उसके बाद ही जाके कुछ कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, एक और सेम टाइप, एक और सेम टाइप करिए। बढ़िया सतीश,
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और कल तक, कल नहीं शाम तक हम कंफर्म कर देंगे कि आपका ये बैच 12 बजे चलेगा या 1 बजे चलेगा। कल तक कंफर्म कर देंगे। उसके पीछे का रीजन ये है यार कि वैसे अभी तक जो था कि वो 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती थी, तो 12 बजे वो क्लास खत्म करते थे, हम 1 बजे स्टार्ट कर देते थे। और अगर अब 12 बजे क्लास नहीं हो रही है तो फिर हम 12 बजे क्यों खाली रहेंगे? 11 से 12 YouTube पे क्लास लेंगे, 12 से 1 आप लोगों की क्लास लेंगे, फिर 1 बजे जाके खाना वाना खा लेंगे। अभी 2:30 बज जाता है खाना खाने में। पता नहीं सुनीता पांडे, मैंने आज उन्हें मैसेज किया है, वो बता देंगे कि अगर उन्हें 12 बजे क्लास लेनी होगी तो वो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर हम आपके बैच में 12 बजे क्लास पढ़ाएंगे, इसी बैच में। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। बढ़िया फलेश, ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है। चलो कोई भी आंसर दे देना, यहां पोल में गलत आंसर थोड़ी ना आ जाएगा पोल के चक्कर में। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 छोड़ दिया। 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 99। ठीक है, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए तो शेषफल 4 मिले, तो केवल इसमें 4 जोड़ दो, पहली संख्या कौन सी मिल जाएगी? 103 मिल जाएगी कि नहीं? पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 103। भाग दे के देख लीजिए, 9 एकम 9, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 9 एकम 9, शेषफल कितना? 4। ठीक, अगली संख्या कौन सी मिलेगी? 112। फिर 9 ऐड करोगे, 121 करते चले जाओगे, लास्ट नंबर निकालोगे, तो लास्ट नंबर जो होता है वो विभाजित होने वाला 9 से 999 होता है, लेकिन हमें चाहिए शेषफल 4। जब शेषफल 4 ऐड करोगे तो ज्यादा हो जाएगी, तो 990 से पहले विभाजित होने वाली संख्या कौन सी? 990। 4 शेषफल चाहिए है, जब 4 शेषफल चाहिए तो कितनी आ जाएगी? 994। ठीक है, 994। तो अंतिम अंक कितना मिल जाएगा? 994। आपका सबसे पहला काम यह है कि आप ये पता करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं। तो TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आएगा इस बार? 9। 4 में से 3 घटाया 1, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 1 घटाया 8। भाग देना है 9 से, 9 से भाग दोगे, 9 नम 81 बराबर N माइनस 1, तो N बराबर 99 प्लस 1, आंसर कितना? 100। N की वैल्यू 100 निकल आई, N की वैल्यू 100 निकल आई। जब मेरे भाई आपने N की वैल्यू 100 निकाल दी है तो बस आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। N बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 आ गए, 100 बटे 2, फर्स्ट टर्म 103, लास्ट टर्म 994, तो 1097 हो जाएगा, 1097 हो जाएगा। 94 में 3 ऐड करोगे 97, 1097 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो सीधे सीधे 2 से भाग दे देना, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 0 इधर भी है, 2 पंचे 10, 54,850। चाहे ए को दे देना चाहे बी को दे देना, दोनों सेम है। बात यह थी कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, जो कि समझ में आ गया है। ठीक, सबसे पहले सीरीज बना लेनी है, और जब सीरीज बन जाएगी तो आराम से आप निकाल सकते हैं जो भी आपको निकालना। ठीक है, तो ये वाला टाइप भी हो गया, इसका आंसर बताइए। देखना कितनी खतरनाक कैलकुलेशन पूछी गई थी यूपीएसआई 2021 में।
करिए करिए करिए। 151 पद तक अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, सब कुछ आपको पता है। ए बराबर 243, डी बराबर 13, 256 में से 43 घटाओगे 13, एन बराबर 151। बचना क्या है? केवल कैलकुलेशन। 151 बटे दो, क्योंकि एन बाई टू होता है, 2a 2 × 243 होता है, प्लस n माइनस 1 150 हो जाएगा, d आपका डिफरेंस 13 हो जाएगा। ठीक, आप एक काम ये कर सकते हैं कि 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यहां भी 2 खत्म, यहां 75, यहां 151 लिखा रहने देंगे और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, 243 प्लस 13 पंचे 65 के 5 कैरी 6, 13 सत्ते 91, 6 57। 151 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 3 = 8, 7 × 4 = 11, 1 × 1 = 9 × 2 = 11 और 1 = 12। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना वाकई में बड़ा काम होता है, लेकिन जो मैंने तुम लोगों को सिखाया है वहां से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 150 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना, 0 15 × 120 के 0 कैरी 12, 15 × 1 = 15, 12 27 के साथ कैरी 2, 15 × 2 = 30, 32 का 2 कैरी 3, 15 × 1 = 15, 3 = 18। एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1200, 1883918, 183918, 183918 ऑप्शन नंबर डी। यार यूनिट डेट से आ सकता था ये तो आंसर, मैंने देखा नहीं यूनिट डेट से आंसर आ सकता था, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल मैंने मल्टीप्लिकेशन के इसी बहाने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया, ऑप्शन से आ सकता था, लेकिन चलो इसी बहाने तो मल्टीप्लिकेशन करना तो सीखे कि 151 को 1218 से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करना है, फायदा तो होता ही है। चलो आगे बढ़ो, कर लेंगे अब इसको घर पे। एक इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा परेशान करता था। चलिए, हाँ आमिल, लेकिन वहां से लास्ट डिजिट से ही आंसर आ गया तो कुछ करना ही नहीं था आगे। करिए, कोई नहीं परेशान, बाद में पढ़ लेना रिकॉर्डेड में। एक ये वाला टाइप भी काफी सारी शिफ्ट में पूछा गया, इसको भी जल्दी से करना है यार। हां जी, क्या आंसर आना चाहिए? आमिल भैया, आशियाना, सुनीता, बताते जाओ। एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है, हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ा देता है, वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है? ठीक, समझना, जनवरी है आपका पहला महीना, जनवरी में उसने 1650 रुपए बचाए, अगला महीना फरवरी का, कितने अधिक 85 बढ़ा दिए तो 1735 हो गया। ठीक, मार्च में फिर 85 बढ़ेगा, अप्रैल में फिर 85 बढ़ेगा, इसी तरह हम पहुंच जाएंगे दिसंबर में, जहां पे कुछ आपकी बचत आ जाएगी। जब डिफरेंस बराबर होता है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, अगर डिफरेंस यानी कि दो पदों का अंतर बराबर हर जगह पे आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। और यहां पर साफ साफ लिखा है कि हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपए बढ़ाता है, जब 85 रुपए बढ़ाता है तो समझ जाओ। ठीक, तो ए बराबर कितना हो गया, पहले महीने 1650 रुपए की बचत, डी यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 85 रुपया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हो जाते हैं, 12 महीना। आपको सारी चीजों की वैल्यू पता है, आपको सारी चीजों की वैल्यू पता है, फलेश ने भी आंसर निकाल दिया, हिमांशु ने भी आंसर निकाल दिया। ठीक, जब मेरे भाई आपको सारी चीजों की वैल्यू पता है तो बस आपको बच गया कैलकुलेशन, n बाई टू, n बाई टू, अब बार बार फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बट चलो लिख दिया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n की वैल्यू कितनी है, 12, 12 / 2,
2A, 16 दूनी 32, 32 3300, 2A क्या है, 1650 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3300 हो गया, प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 इंटू डिफरेंस कितना है 50 से, ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया 6 आ गया, 3300, 55 के 5 कैरी 5, 11 8 88 5 93, 6 5 3 9 3 12 के 2 कैरी 1 4, 6 5 30 के 0 कैरी 3, 6 3 18 3 21 का 1 कैरी 2, 6 2 9 12 2 14 के 4 कैरी 1, 6 6 के 24 और 1 25, करेक्ट आंसर 25410, 25410 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है, 25410, वेल डन फलेश, हिमांशु भाई गलत कर दिए, सतीश भाई गलत कर दिए, हो गया, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, एक और इसी पे कर लो, बस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए तो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सबके आंसर आना शुरू, सबके आंसर आना शुरू, आमिल फलेश सुनीता बताएं जल्दी से, एक आदमी जनवरी 2017 में 1850 रुपए बचाता है, पिछले महीने की तुलना में हर महीने अपनी बचत में 105 रुपए की वृद्धि करता है, तो वर्ष 2017 में आदमी की वार्षिक बचत कितनी होगी, फिर से वही काम, ए बराबर इस बार कितना है 1850 है, डी बराबर कितना है हर महीने 105 की वृद्धि, तो डी बराबर 105, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं पूरे एक साल यानी कि 12 महीने, ठीक, सारी की सारी वैल्यू फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, अब फॉर्मूला पता है बार बार नहीं लिखवा रहा, एन बाई टू आता है, एन बाई टू आता है, साथ में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है, यहां पे आपका 6 हो जाता है, 18 दोनी 36 और 1 3700 हो जाता है, ये आपका 1155 हो जाता है, 6 गुणे लास्ट में 55, 37 और 11 48, ठीक, 6 पंचे 30 के 0 कैरी 3, 6 पंचे 30 3 33 के 3 कैरी 3, 6 ठे 48 3 51 का 1 कैरी 5, 6 चौके 24 5 29, करेक्ट आंसर 29130, 29130 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, हिमांशु कहां मिस्टेक हो रही है, ठीक है 29130 आ रहा है, फलेश छह 18 दून 36 एक 3700, 11 पंचे 37, 47, 4855, 6 पंचे 30 के 0 कैरी 3, 6 पंचे 30 3 33 के 3 कैरी 3, 6 ठे